नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि आप इंतज़ार कर रहे थे कि सर कट ऑफ कब जारी करेंगे, कुछ एनालिसिस किया होगा, तो मैं आपको बताने वाला हूं जो भी मैंने मेरे अकॉर्डिंग आंकड़े इकट्ठे किए हैं, लगभग विश्लेषण किया है विद्यार्थियों का, और भी कई कट ऑफ जो जारी किए हैं अच्छे अच्छे टीचरों ने, उनके आधार पर मैं आपके सामने एक छोटा सा एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो आप लाइक करना, कोई नया विद्यार्थी हो तो सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले मैं साइंस मैथ की बात करता हूँ साथियों। साइंस मैथ में भी, वो भी नॉन टीएसपी की मैं बात करता हूँ, कट ऑफ हालांकि आपके सामने है साइंस वाले, आपको पता होगा पद साथियों जो है 7435 पद है, 7435 पद है, और 4435 पदों में क्या कट ऑफ रह सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं, इस बार जो है साइंस मैथ का लेवल थोड़ा सा हार्ड रहा था, इसलिए विद्यार्थियों के नंबर ठीक से नहीं बन पा रहे हैं। फिर भी देखते हैं कि अगर इस दायरे में अगर आप आते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, अगर मैं जनरल की मैं बात करूँ तो जनरल की आपको 93 से 95 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन राइट है, क्वेश्चनों की मैं बात कर रहा हूँ, नंबर आप देख लेना, क्वेश्चन ठीक है तो आप यहाँ पर सेफ स्कोर है आपका। ओबीसी की अगर मैं बात करूं साथियों, तो ओबीसी 88 से 90 के बीच में किसी विद्यार्थी के आ रहे हैं, तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो लगभग सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं साथियों, तो ईडब्ल्यूएस 84 से 88 के बीच में अगर किसी विद्यार्थी के बन रहे हैं, मार्क्स कट पिट के बन रहे हैं, तो वो भी सेफ जोन में है। एमबीसी की अगर मैं बात करूं, तो एमबीसी 85 से और 90 के बीच में किसी विद्यार्थी के है तो वो भी ठीक है। एससी की अगर मैं बात करूं तो 73 से और 76 तक अगर किसी विद्यार्थी के आ रहे हैं तो वो भी सेफ जोन में। और एसटी की अगर मैं बात करूं तो 71 से 74 के बीच में अगर किसी विद्यार्थी के क्वेश्चन बच रहे हैं तो वो भी सेफ जोन में है साथियों। इस आधार पर आप देख सकते हैं, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन लगभग ये आंकड़ा रहने वाला है। तो इस दायरे में आप आ रहे हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे की तैयारी कर